हमारे टैलेंट तो नहीं भाई, हम यहाँ पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा से आए हैं और यहाँ चेक करने आए हैं कि 60 साल से ऊपर के लोग कितने हैं। और हम उनको चेक करके 15,000 रुपए की पेंशन देंगे। अच्छा ठीक है, मेरे बुलाने से तो कोई आ नहीं रहा, एक बार तू ही आवाज लगा ले। हेलो हेलो, कोई है? कहाँ से आए हैं, क्या काम है? हम पेंशन डिपार्टमेंट से आए हैं। अच्छा अच्छा, दादी आइए जरा, पेंशन डिपार्टमेंट वाले आए हैं। दादी नीचे आ जा, पंछियों की पेंशन नहीं लगती, बुजुर्गों की लगती है और आप बुजुर्ग हो। दादी ये पेंशन विभाग से आए हैं, तेरी काली खांसी का इलाज करने नहीं आए हैं। ये कौन है? ये मेरी दादी है और जिसका उम्र 109 वर्ष है और इस उम्र में लोगों के दांत में नकली होता है, पर हमारी दादी का जुबान भी बहुत नकली है, जब खाना खाती है तो कई बार पेट में जुबान चला जाता है और जुबान को बाहर निकालने के लिए मोछली वाला कांटा डाला जाता है और खींच खींच के बाहर जुबान को निकाला जाता है। अरे कहां से आए हैं ये लोग? अरे दादी ये बुजुर्गों का पेंशन लगाने आए हैं। अरे बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत? मैं तो भगरा गया था ये रोड़ा चोड़ देखकर। अरे ये रोड़ा चोड़ क्या होता है? अरे सर रोड़ा चोड़ नहीं, चोड़ा रोड, यानी कि खुली सड़क। अरे ये बताओ तुमको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत? मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई, मैं तो कुंज पूंज हो गया इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर। अरे बेटा ये बिल्डिंग और कुंज पूंज क्या होता है? कुंज पूंज दादी सर कंफ्यूज हो गए थे, बिल्डिंग का मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखकर। और क्या हो गया? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा पायचानी का इंतजाम कर दीजिए। पायचानी? ये क्या होता है पायचानी? अरे पायचानी नहीं सर, चाय पानी। अच्छा ये बताइए सर के खाने में क्या मंगवाऊं? ऐसा करो जी, दो प्लेट छोले भटूरे और दो ग्लास जोस्मी का मूस मंगवा दो। अरे मैडम अब ये खाना कहाँ से मंगवाएं? अरे सर इनके कहने का मतलब है दो प्लेट छोले भटूरे और दो ग्लास मौसमी का जूस। अच्छा ठीक है सर, अब आप ये बताइए आपके घर में टोटल कितने बुजुर्ग हैं? हमारे घर में टोटल बुजुर्ग हैं 5, एक मैं और 4 चल बसे। अरे भाई जब 4 चल बसे तो 5 कैसे टोटल? सर चल बसे का मतलब है कि वो यहाँ से पिछले हफ्ते कहीं और जाके बस गए थे और बस वहां से चलकर आ ही रहे हैं अब थोड़ी देर में। रुकिए रुकिए, अरे अब मैं इन तीनों को
फोड़ दे देता हूँ ताकि ये हिलेगी भी और गिरेगी भी नहीं। अब बनाना ये सीख कबाब। अरे भाई, किसी की उम्र 90 साल, किसी की 111 साल, आप इनको अस्पताल में क्यों नहीं लेके जाते? आप इधर आइए, मेरे पास इनके लिए एक अलग सीक्रेट प्लान है। ये लो जहर का इंजेक्शन और इनमें से दो दो बूंद इनको दाल में डाल के खिला देना। बढ़िया है पेंशन बंधवाने। अब आप एक एक करके आगे आओ। अरे भाई, कोई इनको आपके पास लेके आने के लिए आइए जरा आगे। अच्छा रुको रुको, 15,000 रुपए पेंशन किनको चाहिए? तो अपना नाम बताइए। कौन से वाला? ऐसे कितने नाम हैं आपके? अरे जिंदगी में जितने लोग आए सबने अलग अलग नाम दिए। क्या वाइब्रेटर मशीन है यार? मुमताज दिया, जानू दिया, और तो और 109 साल की बुढ़िया को मुन्नी भी कह दिया। हाँ, सबको बुला लिया, कोई हमसे भी तो पूछे। अरे ठीक है माता श्री, अब आप ही अपना नाम बता दीजिए। अरे 90 साल पहली बात भी याद रहती है भला? मेरे पिताजी ने 90 साल पहले नाम रखा था मेरा, अब नहीं मुझे याद। अच्छा, अब तो आपको राम भरोसे मिलेगी पेंशन। ना उम्र पता ना नाम पता, और कोई रहता है तो उसको भी बुला लो। राम जाने। समझ नहीं आ रहा, आदमी को दाढ़ी आई है कि दाढ़ी को आदमी आया है? अब ये कौन महाशय आ गए? मेरे दादाजी हैं। अरे तो क्या नाम है आपका? अरे इनका नाम है राम जाने। तो इनकी पेंशन भी राम जाने, हमारी बस की बात नहीं। अच्छा तो अब आप सबका टेस्ट होगा। बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चों से? अरे मेरा मतलब बूढ़ों से गलती हो जाती है। इस गलती की सजा मालूम है तुम्हें? क्या सजा होगी इस गलती की? इसकी सजा है 50-50 कोड़े हर आदमी को, 15,000 रुपए जुर्माना पर पर्सन, और 20,000 रुपए की रिश्वत। कोड़े मारेगा, रिश्वत लेगा। प्रेग्नेंट बकरी के पेट जैसे फिगर वाले बुड्ढे बेना घर हो तेरा, सत्यानाश हो तेरा, तेरे घर वालों के ऊपर बुलडोजर चढ़ जाए, तेरी दाढ़ी लाए, तेरे दाढ़ी में बाल लाए, तू टकला हो जाए, तेरे को मलेरिया नमूनिया जितनी भी बीमारियां है सारी हो जाए। तुर। सर यहाँ तो मुझे सब गोलमाल लग रहा है, यहाँ तो कोई पेंशन की काबिल ही नहीं है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल,